साल मेरे को यही रिग्रेट रहेगा। हम और आप मिलके आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ कनिष गुप्ता और आज हम आ गए हैं 2021 के एंड तक। तो मैं आज इस वीडियो में एनालाइज करने वाला हूँ कि मेरा 2021 कैसा गया और मैंने क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिए हैं 2022 के। मैंने इस साल के जनवरी मंथ से चैलेंजेस लेना स्टार्ट कर दिए। मैंने उन चैलेंजेस को पूरा करा और मैंने काफ़ी सारी उन चैलेंजेस से चीज़ें सीखी। वो सारी चीज़ें आपके साथ मैंने वीडियोस के थ्रू शेयर भी करी है और मैंने इन वीडियो बनाने के प्रोसेस में ये सीखा कि मेरी स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है। मेरे को याद है कि जो मेरी इनिशियल वीडियोज़ है उसमें मेरी एनर्जी काफ़ी लो सी रहती थी और मेरा बोलने का तरीका भी आप देख लेना समझ जाओगे, उसमें बिल्कुल भी वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह नहीं थी। तो अभी मैंने वैसे बस स्टार्ट करा है, अभी तो काफ़ी आगे जाना है। ये जो चैलेंजेस मैं कर रहा था वो मैं 2017 से लेना चाहता था और फाइनली मैंने 2021 में जाके ये सारे चैलेंजेस लिए और उन्हें पूरा भी करा। इस साल हमने इस चैनल पर सीरीज भी स्टार्ट करी। एक सीरीज थी नो योरसेल्फ सीरीज, उसके अंदर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। और दूसरी सीरीज थी मोटिवेशनल स्टोरीज, जिसमें एक प्यारी सी कहानी बताई जाती है और उस कहानी के लास्ट में एक पावरफुल मैसेज दिया जाता है। अब बहुत तारीफ हो गई कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, 2021 तो बहुत अच्छा साल निकला। नहीं, अब उस चीज़ की बात कर लेते हैं जो मैंने करने की कोशिश करी लेकिन मैं इस साल नहीं कर पाया। जो भी चैलेंजेस मैंने इस साल लिए उसे पूरा करने में मेरे को मात्र 15 मिनट लगते हैं और मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ इस वीडियो में शेयर करा था कि मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन काफ़ी सारे चैलेंजेस ऐसे भी थे जो मैंने लिए, कंप्लीट करे पर उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं आपको और खुद को काफ़ी सारे रीज़न दे सकता हूँ, एक्स वाई जेड रीज़न दे सकता हूँ कि मैं ये नहीं कर पाया इस रीज़न से, लेकिन मैं ये नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को पता है अंदर ही अंदर कि मैं अपना 100% नहीं दे पाया वीडियो प्रोडक्शन सेक्टर में। इसलिए इस साल मेरे को यही रिग्रेट रहेगा कि मैंने जितने भी चैलेंजेस लिए मैं उसकी वीडियो आप तक इस साल नहीं पहुंचा पाया, लेकिन मैं सेम रिग्रेट अगले साल नहीं ले जाना चाहता। इसलिए मेरा सबसे पहला जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो यही है कि मैं इस चैनल पे और भी कंसिस्टेंट होऊंगा। दूसरा रेजोल्यूशन जो मैं साल के एंड तक करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं एडवांस फिटनेस चैलेंजेस लूँगा। मैंने पुशअप चैलेंज, एब्स वर्कआउट चैलेंज, स्किपिंग चैलेंज और स्प्लिट चैलेंज, ये सारे चैलेंजेस इस चैनल पे ले रखे हैं। अब मैं हैंडस्टैंड, हेडस्टैंड, हैंडस्प्रिंग और क्रो पोज करना चाहता हूँ। इससे हमारे फिटनेस लेवल्स थोड़े से और ऊपर जाएंगे। और तीसरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं और भी चैलेंजेस एक्सप्लोर करूँगा और इस चैनल पे कुछ और सीरीज भी लाऊंगा जिससे हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। अक्सर हम रेजोल्यूशंस बनाते हैं पर उन्हें पूरा नहीं करते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कुछ दिनों में आ जाएगी। उसमें मैं ये बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा करने में, और अक्सर मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस क्या गलतियाँ करती है वो भी आपको उस वीडियो से पता चल जाएगी, जिससे कि आप पहले सतर्क और सावधान हो जाओगे और वो गलतियाँ बिल्कुल भी दोहराओगे नहीं और अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को इस बार ज़रूर पूरा करोगे। आप जब तक अपने दिमाग में कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोच के रख सकते हो और उस वीडियो के बाद हम और आप मिलके आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे काम करेंगे। चलिए फिर साथ में पहला कदम रखते हैं 2022 में। इसके लिए आपको इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। बिल्कुल भी चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। आपको नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और आपका स्वागत है इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल पर।
आपका सबसे फेवरेट चैलेंज कौन सा था जो मैंने लिया इस चैनल पे, आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। और 2022 में सेम जोश और उमंग के साथ काम करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं 2022 में।